सो यस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल है जो अनाउंस कर दी है, बिग दिवाली सेल फ्लिपकार्ट की। एंड गाइस कहूँ तो ये सबसे बड़ी सेल है बिग बिलियन सेल के बाद। एंड गाइस अभी तक अमेजोन ने कोई भी सेल है जो रिवील नहीं की, भी हो सकता है कि अमेजोन इस बार लेट सेल है जो रिवील करने वाला है। गाइस यहाँ पे सेल की डेट की बात करें तो यहाँ पे 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलने वाली है। एंड जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनको आज रात से 10 अक्टूबर से सेल के ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कार्ड वगैरह की बात करूँ तो SBI का कार्ड, कोटक महिंद्रा एंड पेटीएम UPI पे 10% का आपको यहाँ पे कैशबैक ऑफर देखने को मिल जाता है। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में, आईफोन की क्या प्राइस रेंज हमें देखने को मिल सकती है। सो गाइस जिन स्मार्टफोन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी, वो स्मार्टफोन है आईफोन 12 के बारे में कुछ नहीं देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। आईफोन 14 की यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। आईफोन 13 प्रो का भी हमें कोई यहाँ पे कोई बढ़िया ऑफर्स नहीं देखने को मिलेगा, यानी मिलेगा तो भी प्राइसिंग काफी ज्यादा 1 लाख से ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो गाइस जिन स्मार्टफोन के अंदर हमें चाहिए स्पेशल ऑफर वो है आईफोन 13। एंड आईफोन 13 का जो प्राइसिंग है कार्ड वार्ड लगा के देखने को मिलेगा 53,000 एंड विदाउट कार्ड देखने को मिलेगा 56,000, ये कन्फर्म है। एंड आज रात से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप कल यानी कि परसों आप 11 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो एंड यही प्राइसिंग आपको कन्फर्मली देखने को मिलेगा आईफोन 13 का। यहाँ पे बात करें आईफोन 11 की तो गाइस आईफोन 11 आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा कार्ड के साथ, एंड विदाउट कार्ड देखने को मिलेगा 33 अंदर देखने को मिलेगा। आईफोन 12 मिनी की बात करें तो आईफोन 12 मिनी आपको देखने को मिलेगा 33,000 के अंदर कार्ड लगा के, और विदाउट कार्ड देखने को मिलेगा 36,000 के अंदर। सो गाइस ये तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छी प्राइस रेंज के साथ हमें देखने को मिलेगा, आईफोन 11, आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13। एंड आईफोन 13 तो काफी ज्यादा प्राइसिंग सही देखने को 53,000 to 56,000 आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस अनदर डिटेल आपको टाइम टू टाइम चैनल के ऊपर देखने को मिलते रहेंगे।